हेलो एवरीवन, पूजा मूलधान के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल मिल्कशेक। चलो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ लंबा बोल ले। दोस्तों ये हमने कच्चा नारियल लिया है, ये आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। ये मैंने पूरा नारियल लिया है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। अब इसे हमें कट करना है पीछे का हिस्सा। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैं चक्कू से कर रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उससे करना। थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ी परेशानी होगी आपको ये करने में। ये मैंने अच्छे से पीछे से छिलका हटा दिया है इसका, और अच्छे से मैंने दोबारा से वॉश भी कर लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करते हैं। थोड़ा सा आराम से करना दोस्तों, क्योंकि हाथ में से ये रपटता है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। हमने कद्दूकस कर लिया अच्छी तरीके से इसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी हमें हमारा नारियल का बरूदा। अब इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम इसका नारियल का बरूदा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। हमारा ये ग्राइंड हो चुका है। अभी मैंने थोड़ा दरदरा रखा है इसमें। अब इसमें हमने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी गिरना, मैं अभी 4 चम्मच गिर रही हूँ। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी गिर सकते हैं। मैं 4 चम्मच गिर रही हूँ चीनी के, और इसमें थोड़ा मैं इलायची पाउडर गिर रही हूँ 1/2 चम्मच। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो उसका टेस्ट तो डालना, नहीं तो मत डालना। मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है बिल्कुल चिल्ड। अगर आपका दूध चिल्ड नहीं है तो आप इसमें आइस क्यूब भी गिर सकते हैं, जितना आप ठंडा ये लेंगे उतना ही अच्छा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। दूध हमने थोड़ा ही डाला था पहले, अब इसमें हम चेक करते हैं। हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है ये। अब हमने जो हमारा बाकी का दूध रखा बचा था हम वो भी गिर देते हैं इसमें, क्योंकि एक साथ गिरेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, हमारा मिक्सी का जार से निकल सकता है दूध। अब इसे दोबारा से हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारे अच्छे से ग्राइंड हो चुका है मिल्क शेक। देखो कितना अच्छा टर आया है इसका, बिल्कुल क्रीमस आया है, बिल्कुल क्रीम जैसा आया है। देखो दोस्तों आपको इस तरह से रखना है। अब इसे हम सर्व करते हैं। दोस्तों हमारा ये मिल्क शेक बन के अच्छे से तैयार हो चुका है। नारियल मिल्क शेक देखो कितने अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा। अब इसे हम कर रहे हैं, देखो ये आप पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये गर्मियों में पीना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए खासकर ज़रूरी है। आपने शायद ये कभी पिया भी नहीं होगा। घर में आप बच्चों को अच्छे से बना के घर में पिलाइए। और इस पर हमने जो बचा हुआ हमारा थोड़ा सा कोकोनट का भरूदा था वो हम उस पर डाल रहे हैं, अच्छे से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। आइए मैं टूटी फूटी मेरे पास थी तो मैं टूटी फूटी भी गेर रही हूँ। आपके पास हो तो आप गेरना, नहीं तो मत गेरना। आप इस पर आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं। मेरे पास कलर वाली टूटी फूटी थी, मैं वो अच्छे से लगा रही हूँ उस पर। मेरे पास चेरी भी थी तो मैं चेरी भी लगा रही हूँ। चेरी लगा के और भी इसकी डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है, देखो दोस्तों लग रहा है ना कितना अच्छा, देखने में भी और पीने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट आपको। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे देख के ही मन करेगा बच्चों का ये पीने का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।